अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां पर सीएम बनने के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, आलाकमान तय करता है निर्णय। उन्होंने कहा कि हम ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ रहे हैं चुनाव, सिटिंग मुख्यमंत्री होने के कारण नाम आगे होना स्वाभाविक है, लेकिन लाइन पर रहेगा अपना पहला नंबर। ये बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां पर सीएम बनने के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आलाकमान तय करता है निर्णय। उन्होंने कहा कि हम ज्वाइंट लीडरशिप में लग रहे हैं चुनाव, सिटिंग मुख्यमंत्री होने के कारण नाम आगे होना स्वाभाविक है, लेकिन लाइन पर रहेगा अपना पहला नंबर। मेरे को उसकी जानकारी नहीं, और ये निर्णय आलाकमान पे रहता है, सबकी राय लेके सबकी जानकारी लेके वो करते हैं। फिलहाल हम एक ज्वाइंट लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी अगुवाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। चुनाव हम जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम आगे रहेगा, और उसके बाद जो निर्णय हाईकमांड लेगा हम लोग सब साथ हैं। लाइन में पहला नंबर लाइन है, हाईकमांड जो तय करे। मेरे को खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, सीएम बनने के सवाल पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री टीएस को लेकर के लगातार जो सियासत है वो जारी रहती है, लेकिन पिछले चुनाव में भी आपने गौर किया होगा, जब कांग्रेस से मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो उस दौरान पे लगभग 3 से 4 नाम आगे थे, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल का नाम तो शामिल था ही, इसके अलावा टीएस सिंहदेव, वही ताम्रध्वज साहू जो कि कांग्रेस से वरिष्ठ मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, ऐसे 4 चेहरे थे कांग्रेस में जिनके नाम लगभग सीएम बनने के लिए तय माने जा रहे थे। आलाकमान इन्हीं 4 नामों से कोई एक नाम चुनने वाला था। ये भी चर्चा का विषय था कि हो सकता है उप मुख्यमंत्री, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि उस दौरान चर्चा का जो दौर ये भी रहा कि 3 साल भूपेश बघेल तो वही 2 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन अब ये जो चुनावी समर नया चुनावी समर है 2023 का, इसके लिए भी मुख्यमंत्री पद के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपने सुना कि कैसे टीएस सिंहदेव इस वक्त दावे भी कर रहे हैं, जब वे नामांकन भरने के, आज जो कि अंतिम तिथि है, तो नामांकन भरने के लिए वे गए हुए थे, लेकिन इस दौरान ही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री की दौड़ में उनका नाम है, तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो वर्तमान मुख्यमंत्री होने के नाते उनका नाम स्वाभाविक तौर पर आगे है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री है यानी कि स्वयं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि लाइन पर उनका भी नाम होना तय है। बहरहाल ये आलाकमान तय करेगी कि किसका नाम इस बार चुनाव में, यदि कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री चुना जाता है, आलाकमान तय करेगी, इस बात से भी उन्होंने नकारा नहीं। जी आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पाटन से है, जहां मुख्यमंत्री